अगे वधन ते गल करांगे अबोहर दी। अबोहर च एयरफोर्स दे जवान दी मौत हो गई है। सर्विस राइफल दी गोली लगन दे नाल इस जवान दी मौत हुई है। बीती रात ड्यूटी दौरान ही गोली चली। बिहार दा रहन वाला सी मृतक जवान जिसकी की मौत हो चुकी है। अबोहर एयरफोर्स स्टेशन ते तैनात सी आ नौजवान। हालांकि वजह की कुछ रही, किदा आ गोली लगी, इन्वेस्टिगेशन दा पूरा मैटर है। अबोहर च एयरफोर्स दे जवान दी मौत हो गई है। बिहार दा रहन वाला दस्या जा रहा है मृतक। मेरे नाम मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार फोन लाइन से जुड़े हुए ने। प्रदीप, पूरा मामला जानना चाहवांगे, हुन तक दी इन्वेस्टिगेशन की कुछ सामने आया है, किवें आ गोली लगी है इस जवान नूं? बिल्कुल समझो, जिहड़ा बीती रात नूं जिहड़ा ए एयरफोर्स दे स्टेशन दे अंदर जिहड़ा ए जवान तैनात सीगा, ते जिहड़ा सर्विस राइफल दे अंदर जिहड़ी गोली है उसके दिमाग के उपर लगती है, जिसकी सूचना जरा रात के वे जरा पुलिस को दी जाती, जिस तो बाद जरा पुलिस वालों अज जी लाश को कब्जे में लैके जी इनकी जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल जरा गोली चलन का कारण हजे पता नहीं लग सकया, पर दसया जा रहा है कि एक हादसा सीगा जिसे हादसे के दौरान जरा है जवान में यह गोली लगती है। जरा बिहार का रहने वाला है, तो संजीत कुमार सिंह जरा इसका ना है, तो जरा सार्जेंट के तौर के उपर जरा इस एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तैनात सीगा। बीती रात जो ड्यूटी तो कर रहे थे तो अचानक जी गोली चलती है, गोली तो बाद जरा जवान जो आस पास के जवान जो मौके पर पहुँचते हैं तो इस दौरान जरा उस सरनजीत की जी है मौत हो जाती है, जिस तो बाद उसनू इसकी सूचना जी पुलिस को दी जाती है। पुलिस वालों जी है हम इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पूरा मामला कि आखिर गोली चली कि दूजे पास जरा इस मामले के अंदर जरा मृतक के परिवार को भी जरा सूचना दे दी गई है, तो हम उन्होंने परिवार के आम का जरा इंतजार किया जा रहा है, जिस तो बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम के परिवारिक मैंबर के बयान से जरा आधार से जी अगली कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सानू तमाम जानकारी देने लई। ते उथे अबोहर एयरफोर्स बेस ते तैनात सी सर्जन दे तौर ते सर्विस राइफल दी गोली लगी। हालांकि मुढ़ली इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है कि आ हादसा ही सी, पर इस तमाम मुद्दे ते फिर भी जो पुलिस दे वल्लों इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। पोस्टमार्टम दे लई मृतक देह नूं भेज दिता गया, परिवारक मैंबरां नूं मृतक दे सूचित कर दिता गया। हुण गल करांगे तरन तारण की। तरन तारण के सरहदी पिंड करियाला च फायरिंग की घटना वापरी है। एक व्यापारी के घर बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईआं गईआं। व्यापारी तो दरअसल 30 लाख रुपए की रंगदारी मंगी गई। बदमाशा के वलों रंगदारी ना देने से घर के बाहर फायरिंग जो है वह की गई। इस तो पहला भी कई मामले सामने आते हैं कि रंगदारी फिरौती तमाम गैंगस्टर्स के वलों बदमाशा के वलों मंगी जाती है ना देने से। इसी तरीके जो बदमाश ने वह कितने डरावे के लिए गोलीबारी उन्होंने वालों की जाती है तमाम तस्वीर। हालांकि आ दोवें बाइक सवार बदमाश कैप्चर होया है। एक व्यापारी के घर के बाहर इसके वालों ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। व्यापारी तो दरअसल 30 लाख रुपए की रंगदारी मंगी गई थी, रंगदारी नहीं दी, जिसके चलते आ घर के बाहर व्यापारी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब मौके गुरु नगरी अमृतसर च श्री दरबार साहब नूं सुंदर फुलां नाल सजाया जा रहा है। श्री दरबार साहब तो इलावा श्री अकाल तख्त से पूरी परिक्रमा की भी सजावट की जा रही है। प्रकाश पुरब के चलते श्री दरबार साहब हर साल की तरह कई तरह के विदेशी फुल भी लियांदे गए हैं, जिन्हां नाल गुरु घर की सजावट की जा रही है। इस दे नाल ही कल सवेरे गुरद्वारा श्री रामसर तो श्री दरबार साहब तक नगर कीर्तन भी सजाए जाएंगे। तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब मौके गुरु नगरी अमृतसर नूं बेहद ही सुंदर तरीके नाल सजाया जा रहा है। कम से कम 15 से 20 आइटम के फूल है, कुछ फूल इंडिया ने है, कुछ फूल बाहर से विदेश से आया हुआ है। वैसे कितने टन फूल आए यहाँ पे सर? एक्चुअली 5 ट्रक माल आया है, तो 5 ट्रक में लगभग मान लीजिए 40 टन के ऊपर होगा। फूलों का लाइफ होता है 3 से 4 दिन होता है, लेकिन अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा है तो 2 से 2.5 दिन। कितने कारीगर काम कर रहे हैं? टोटल 105 बंदे की करीब काम कर रहे हैं। तो हमें कितना समय होगा? यहाँ पे सेवा कर रहे हो सर, एक्चुअली पहले भी होता था, लेकिन हम लोग जब से कर रहे हो 8 से 10 साल। श्री गुरु साहिब जी के गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब मौके गुरु नगरी अमृतसर श्री दरबार साहब में बेहद सुंदर तरीके फुलां दे नाल सजाया जा रहा है, जिस दे चलते विदेशी फुल भी मंगवाए गए हैं। 105 जो शख्स ने वो फुलां दी सजावट का काम उन्होंने वालों किया जा रहा है।